हाँ भाई, एवरीबडी वेरी 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 वार्म वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन का वन शॉट। बहुत टाइम से बच्चों ने बोला था सर रेंज बहुत ट्रबल करती है, तो प्लीज एक रेंज पे सेशन बना दो। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज का एक डी कोड बनाया, बट देन स्टूडेंट मैसेज मी कि नहीं सर पूरे फंक्शन का ही रेंज करवा दो। सो हेयर आई एम टेकिंग दिस सेशन फॉर यू ऑन द रेंज ऑफ फंक्शन इन वन शॉट। हर एक एंगल की रेंज आज हम कवर करेंगे, राइट फ्रॉम बेसिक टिल द एंड, एवरी वैरायटी। तो क्या बात है, आज के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि भैया रेंज का ये फॉर्मेट हमको आता नहीं था। यू एग्री? रेंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है। ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके आदित्य। रेंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये टुकड़ों में आती है, थोड़ी बहुत इलेवंथ में आती है, बिगिनिंग में, थोड़ा मिड में आती है, फिर ट्वेल्थ में आती है, जगह जगह पर आती है, हर एक चैप्टर में घुस जाती है, राइट? वहीं फंक्शन में बेसिक भी आती है, बिल्कुल मेथड लगाओ, वहीं ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस वाली भी आ जाती है, वहीं AMGM यूज करके भी आ जाती है, वहीं क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक की रेंज आ जाती है, ट्वेल्थ में डेरिवेटिव यूज करके रेंज आ जाती है। कम बखत दिस इज अ टाइप ऑफ टॉपिक जो हर जगह घुस जाता है, एंड दैट इज ओनली प्रॉब्लम जिस करके इस पे स्ट्रेंथ क्रिएट करनी मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली, ओके ओके ओके, X26 रितेश, उस पर भी करता हूं मैं कुछ ना कुछ, ठीक है। सो आज सारे के सारे फॉर्मेट रेंज के हम कवर कर देंगे। सो लेट मी स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो माई सेल्फ अरविंद कालिया सर, HOD Maths at Vedantu, 11 years of experience, so many selections, and of course have attended national level camp 2 times in which only 50 to 60 candidates get selected across India. Best teacher awardee at national level 2 years back to back at national TCON. So that's a little bit about me. Bacche pyar se mujhe mera bhai bulate hain. And yes, shock ki baat kare to hame gana gungunana, thoda dance karna, बच्चों से प्यार मोहब्बत और ज्ञान की बातें करना और दोस्तों से गप्पे मार के बड़ा मजा आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। अगर कोई नया बच्चा अभी अभी आया है तो भैया देर मत करो, सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना ताकि कुछ आए तो नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पे, लेट ना हो जाओ, ठीक है। ओके, सो विद दैट स्ट्रेट अवे अब हम सेशन शुरू करने लगे हैं। मैं कहा सारे तैयार हो जाओ, रेंज ऑफ फंक्शन। ले भाई, मैं भी जरा बाजू में ऊपर कर लूं, तगड़ा टॉपिक है। ओके गाइस, पर्पस पूरा क्लियर होना चाहिए। पर्पस ऑफ सेशन इज हर एक वैरायटी का रेंज हम कवर करेंगे ताकि सारे फॉर्मेट हमें पता हो, पेपर में कुछ भी आ जाए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। लो जी, शुरू करें सबसे। और हाँ, कोई जल्दी नहीं करेगा, मैं बिल्कुल बेस से शुरू करूंगा क्योंकि वहीं से आगे का पूरा एक स्ट्रेंथ बनना शुरू होगा। तो बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, स्ट्रेट अवे राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी भाई? ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। एफ जो है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, सच दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, and no element of A is related to more than one element of B. Basic definition of function. यहां पे मैं basic example लूंगा जहां से range का मतलब और उसका जो method है उसके पीछे का logic develop करूंगा, ध्यान से सुनना। आपने कुछ ऐसा देखा होगा जब आप function को बिल्कुल शुरू करते हैं, बिल्कुल beginning में, okay, मान लो ये फंक्शन है जो -1 को यहां लेके जा रहा है, 1 को यहां लेके जा रहा है, 2 को यहां लेके जा रहा है, ये मेरी डोमेन है और ये मेरी कोडमेन है। आप देख सकते हैं अकल से भी कि fx जो है कुछ और नहीं x स्क्वायर है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से शुरू करेंगे। और रेंज जो है वो कुछ और नहीं, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, दिस इज माई रेंज। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां से तुम्हें बेसिक मेथड का लॉजिक मिलने वाला है जो बिल्कुल स्टार्ट है रेंज का, जिसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पकड़ेंगे, ठीक। रेंज में 1 और 4 है, परफेक्ट, 9 नहीं है, जबकि फंक्शन तो x स्क्वायर ही है तो 9 भी स्क्वायर होता है 3 का। Why 9 इज नॉट इन द रेंज?
क्योंकि यहां पे 3 नहीं है, यस और नो। अगर यहां पे 3 होता तो 9 पक्के से रेंज में आता। यहां से एक बात समझने की कोशिश करो, तो रेंज क्या हुआ? वो वाले वाई जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स बैठा है, वो वाला वाई जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स बैठा है। 9 के करस्पॉन्डिंग यहां पे 3 नहीं बैठा, इस करके 9 रेंज में नहीं आया। बिल्कुल बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और फिर हम चलेंगे डायरेक्ट मेथड और फॉर्मेट्स पे डिफरेंट। अगर बिल्कुल बुक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से बताना। मैंने फंक्शन लिया 1/x, मेरी रेंज जो है वो मैंने ऑल रियल नंबर्स ले ली, सॉरी डोमेन, और कोडोमेन जो है वो भी सारे रियल नंबर ले लिए, सारे रियल नंबर। यू हैव टू एग्री 1/2 इसकी रेंज में आएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक ना एक्स बैठा है इसके कोरस्पॉन्डिंग, यस और नो? 1/2 विल बी इन द रेंज क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक्स बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। पर क्या 0 रेंज में आएगा? नहीं आएगा। हाउ विल यू जस्टिफाई? इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पे कोई एक्स नहीं है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पे कोई एक्स नहीं है। इस पॉइंट को समझ लो, अगर ये समझ लिया तुम्हारा 50% ऑफ रेंज का कंसेप्ट वैसे ही कवर हो गया। तो रेंज क्या बनी? रेंज क्या बनी? ऑल दोज वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। इफ देर इज वाई फॉर विच नो एक्स इज डिफाइंड, इफ देर इज वाई फॉर विच नो एक्स इज डिफाइंड, देन दैट वाई कैन नॉट बी इन द रेंज। प्रिसाइज। और इसीलिए रेंज का जो डेफिनेशन है वो यही होता है, इट्स प्राइमरीली वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। यहां से अगर तुमको ये बात अब चमकती है, अच्छा इसीलिए जो रेंज निकालने का सबसे बेसिक मेथड है वो ऐसा था कि फंक्शन को वाई मान लो और यहां से एक्स को निकाल लो वाई की टर्म्स में, यहां से एक्स को निकाल लो वाई की टर्म्स में। जैसे कि अगर मेरा फंक्शन है x-1/x+1, मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं, इसको वाई मानो और यहां से एक्स निकाल लो वाई की टर्म्स में, तो यहां से एक्स आ जाएगा 1 इसको ठीक कर देते हैं, -1/y/y-1। यही था बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड। और यहां पे हम क्या करते थे? वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, यस और नो? यही है ना बेसिक मेथड, बिल्कुल रेंज निकालने का द मोस्ट बेसिक मेथड, वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। तो यहां से क्या आ गया आंसर? एक्स इज डिफाइंड इफ दिस डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, दैट इज वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट वन। मैं क्या, सबसे पहले ये बताओ द मोस्ट बेसिक मेथड समझ के मजा आया? हाउ कम दिस मेथड? वी जस्ट अंडरस्टूड दिस थिंग ऑन द प्रीवियस स्लाइड कि क्यों ऐसा करने से रेंज मिल जाती है। मजा आ गया? सो ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक मेथड इज ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। लो जी, शुरुआत बिल्कुल इसी एग्जांपल से करेंगे, द मोस्ट बेसिक वन, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाते जाएंगे। आपको पता है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। एग्जैक्टली। सबसे पहले मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, क्या मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूं? मैं क्या सोए सोए भी निकाल सकता हूं? पहले बिल्कुल बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, जिसकी रेंज निकालनी है उसको लिखा, यहां से एक्स को वाई में लिखो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/y/y। देन यू विल से एक्स किस वाई के लिए डिफाइंड है? x will be defined if, भैया x किसके बराबर? इसके बराबर।
अब ये डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर नॉट जीरो होगा. सो x विल बी डिफाइंड इफ y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो. सो यही आपकी रेंज है. बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना. आई एग्री, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, कुछ को अच्छे से आता भी होगा, बट देखो इम्पेशेंट नहीं होना. वन शॉट है, बिल्कुल यहां से शुरू करके यहां तक जाना है. स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली. पहला सवाल बिल्कुल बेसिक खत्म हो गया. आगे चले, ये आ गया. अब इसमें भी क्या था? बिल्कुल बेसिक मेथड था, हमने फिर से वही काम किया. मैं जहां जहां भी x को y में लिख सकता हूं, आई विल अप्लाई बेसिक मेथड. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से x को y में लिखा. मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं ऐसे प्लस माइनस. ठीक, अब आ गया मेजर स्टेप. x विल बी डिफाइंड इफ, भाई देखो जिस y के लिए x डिफाइंड वही मेरी रेंज. अब x है इस रूट के बराबर. रूट डिफाइंड कब होता है? जब उसके अंदर की चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है. अगर ये डब्बा नेगेटिव तो x अनडिफाइंड, अगर ये डब्बा पॉजिटिव तो x डिफाइंड. तो मैं चाहता हूं x डिफाइंड होना चाहिए, तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. अब ये एक बेसिक वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया, इनइक्वालिटी का. तो आपने वेवी कर्व लगाया और आंसर आ गया माइनस वन से वन ओपन. बेसिक मेथड सबको क्लियर? नजारे आ गए. आहा, अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना शुरू करेंगे हम. ठीक है जी, बेसिक मेथड सबको क्लियर हो गया. अब आते हैं थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. अब बिल्कुल एक स्टेप आगे. ठीक है, ऐसे चीजों की रेंज. सबसे पहले पहला सवाल, इसको हम दो मेथड से सीखेंगे. एक तो जो हम बेसिक मेथड लगाते आ रहे हैं, और एक इसका बेसिक सा अकल वाला मेथड. सबसे पहले हम करेंगे अकल वाले मेथड से, क्योंकि अकल हमें ज्यादा पसंद है. यस और नो? अकल ज्यादा पसंद है. Somebody asks me, इसकी रेंज बताओ. अब ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं साइन एक्स से क्रिएट कर सकता हूं, और साइन एक्स मुझे पता है कि कैसा है. यस, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा साइन एक्स जो है वो लाइक करता है माइनस वन एंड वन के बीच में. ओके, तो टू साइन एक्स कहां लाइक करेगा? माइनस टू एंड टू के बीच में. बिल्कुल परफेक्ट सर. तो टू साइन एक्स प्लस वन कहां लाइक करेगा? प्लस वन कर दो हर जगह पे, माइनस वन और थ्री के बीच में, और ये आपकी रेंज आ गई. ये एक्सप्रेशन माइनस वन से थ्री तक जाता है. द मोस्ट बेसिक मेथड, अकल वाला मेथड. बट जो बेसिक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, उससे भी इसको करना जरूरी है, क्योंकि वहां से अगले का कंसेप्ट बनना है. एक छोटी सी बात बता दो, फिर मैं मेथड टू लगाऊंगा जो तुम अप्रिशिएट करोगे. अगर साइन एक्स इक्वल टू फाइव है तो क्या एक्स डिफाइंड है? इफ साइन एक्स इज इक्वल टू फाइव देन इज एक्स डिफाइंड? कैन यू गिव मी सम एक्स फॉर विच साइन एक्स इज फाइव? नो सर, सर्टेनली नॉट. अच्छा, इफ साइन एक्स इज टेन, इज एक्स डिफाइंड? नो सर, साइन एक्स कैन नॉट बी टेन. अच्छा, बट इफ साइन एक्स इज हाफ, इज एक्स डिफाइंड? 100% सर, बिकॉज साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होता है, तो साइन एक्स कैन बी इक्वल टू हाफ, एक्स इज डिफाइंड. बेसिक सा पॉइंट है, दिमाग में रखना, बड़ा मजा आने वाला है. हम गए अपने स्टैंडर्ड मेथड पे. स्टैंडर्ड मेथड क्या था? ट्राई टू राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. तो यहां से लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू. अब देखो जरा, आ गया मेन स्टेप. एक्स विल बी डिफाइंड इफ, जो मैंने अभी बताया, ये जो चीज है अगर 5 बन गई तो क्या x डिफाइंड होगा? नो सर, साइन x कैन नॉट बी 5. अगर ये चीज 10 बन गई तो क्या साइन x डिफाइंड होगा? नो सर, साइन x कैन नॉट बी 10. तो व्हेन विल दिस x बी डिफाइंड? व्हेन y माइनस 1 बाय 2 लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1.
देन दिस एक्स विल बी डिफाइंड. आगे मजे, बेसिक मेथड क्लियर हो गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड था. टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वन को ऐड कर दो, तो वाई आ जाएगा माइनस वन से थ्री. गेम ओवर. टक टक टक, आई शाबाश. ये हो गया मेथड. अच्छा आगे चले, थोड़े और सवाल करते हैं अकल वाले. ये आ गया दूसरा सवाल, इसको अकल से करेंगे. मेथड टू अब आपको आता ही है, तो अब अकल की और प्रैक्टिस करते हैं जो मेथड वन था. लेट अस प्रैक्टिस अकल वाला मेथड नाउ मोर. ओके, क्या मैं इसको साइन एक्स से शुरू होके क्रिएट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. साइन एक्स जो है इट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो माइनस टू साइन एक्स मल्टीप्लाई करो माइनस टू से, इनइक्वालिटी चेंज हो गई. अच्छा तो थ्री माइनस टू साइन एक्स, थ्री ऐड कर दो, तो ये आ गया वन, ये आ गया फाइव. अब इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी फिर चेंज हो गई, वन बाय वन, वन बाय फाइव, वन बाय वन हो जाएगा, तो वन बाय वन वन ही होता है. और अब टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू टू टू, तो रेंज आ गई बड़े आराम से अकल लगा के टू बाय फाइव से लेके टू तक. एग्जैक्टली इसको आप मेथड टू से भी कर सकते हैं. वही साइन एक्स को वाई में लिख लो, जो आ गया उसको माइनस वन से वन में रख दो, काम खत्म. परफेक्टो, आई शाबाश, चकदे फटे. आज अभी सेशन के बीच में मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूं, बहुत नजारेदार. थोड़ा पेशेंट रहना, सीखने के साथ साथ एक बहुत मजा भी आने वाला है तुमको. छोटा सा क्लिप, बहुत मजेदार क्लिप, बहुत यूजफुल क्लिप, एस्पेशली 12वीं के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल क्लिप है वो. ये आ गया लास्ट सवाल, वो डराने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट डाल दिया, कुछ और नहीं. वेयर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, सेम मेथड. अगर तुम साइन एक्स को शुरू करके क्रिएट कर सकते हो पूरा एक्सप्रेशन, तो फ्रैक्शनल एक्स से क्यों डर रहे हो? वी नो फ्रैक्शनल एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, तो मल्टीप्लाई करो माइनस टू से, इनइक्वालिटी चेंज हो गई. देन थ्री ऐड कर दो, लो जी सर जी ऐड कर दिया, और फिर रेसिप्रोकल ले लो. सर जी ले लेते हैं रेसिप्रोकल, ये लो रेसिप्रोकल ले लिया. एंड देन टू से मल्टीप्लाई कर दो, लो जी टू से मल्टीप्लाई. तो चाहे साइन एक्स था, चाहे फ्रैक्शनल एक्स था, कोई भी चीज जो आपको पता है कि कहां लाई करती है, आप वहां से शुरू होकर एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो. एग्जैक्टली सर जी, ये मेथड भी क्लियर हो गया, अकल वाला मेथड भी क्लियर हो गया, मेथड वन भी हो गया जो स्टैंडर्ड था, शाबाश, और अकल वाला मेथड भी क्लियर हो गया. अब चले जरा नेक्स्ट कैटेगरी में, क्या मैं यहां पे अकल लगा सकता हूं? देखो पिछले में तो साइन एक्स टाइप की चीजें थी, मुझे पता थी वो कहां लाई करती हैं, क्या मैं इस पे भी अकल लगा सकता हूं? मेरे ख्याल से लगा सकता हूं, यस और नो बताओ चैट में. मुझे इसके लिए भी मेथड नहीं चाहिए, मैं इसको अकल से कर सकता हूं, अकल से कर दूंगा मैं. देखो जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, जीरो से इंफिनिटी. तो अगर एक्स स्क्वायर जीरो से इंफिनिटी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर फोर से इंफिनिटी होगा, ऑब्वियसली फोर से इंफिनिटी होगा. तो भैया अगर एक चीज फोर से इंफिनिटी जा रही है, उसका स्क्वायर रूट कहां जाएगा? टू से इंफिनिटी. अब रूट ऑफ इंफिनिटी तो इंफिनिटी ही होता है, सो सिंपल, वेरी बेसिक. आगे नहीं जा रहे, मैं बिल्कुल बेस से शुरू कर रहा हूं, और अब इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आने शुरू हो जाएंगे. ये सारा वो चीजें जो आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, बेसिक मेथड्स हैं, ये अकल वाले मेथड हैं. इसके बाद अब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज शुरू होंगी जो आपको शायद तंग करती होंगी. अब दूसरा आ गया फोर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसके बारे में मेरे को पता है कुछ कि ये कहां लाई करता है? हां सर पता है, ये लेस देन इक्वल टू फोर होता है, यस और नो? फोर माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो लेस देन इक्वल टू फोर होगा. बट डू यू एग्री ये स्क्वायर रूट के अंदर जाने वाला है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा,
नेगेटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको स्क्वेयर रूट के अंदर जाना है। अब तुम्हें पता लग ही गया कि ये कहां से कहां लाई करता है, तो स्क्वेयर रूट तो बता ही दोगे। तो इसका स्क्वेयर रूट, एक चीज अगर जीरो से फोर है तो उसका स्क्वेयर रूट जीरो से टू होगा। कौन सी बड़ी डील है, ओरली कर सकते हैं इसको मजे से। एग्जैक्टली और अब एक जवाब मुझे तुम दे दो जो कि सिर्फ मैंने मजे के लिए रखा हुआ है, बहुत घटिया। रूट एक्स, इसकी रेंज मुझे तुम बता दो, रूट एक्स कहां से कहां लाई करता है, रूट एक्स कहां से कहां लाई करता है, यह मुझे तुम ओरली बता दो फटाफट। चित्रांश, उसके लिए एक अलग से सेशन कर चुका हूं बेटा, जो कि डी कोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है, आप वहां पे पूरा जिंट आराम से डिटेल में देख सकते हो। एग्जैक्टली, जीरो टू इंफिनिटी, ऑलवेज रिमेंबर रूट एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है एंड इट गोज टिल इंफिनिटी। आई शाबाश, ये काम सारा तमाम हो गया, बल्ले बल्ले। अब आते हैं बेटा फॉर्मेट की ओर। देखो बेसिक भी हो गया, कुछ अकल वाले काम भी हो गए, अब हम चलेंगे थोड़े फॉर्मेट्स की ओर। ये पहला फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक, नॉर्मल क्वाड्रेटिक की रेंज, देन फॉर गिवन एक्स क्वाड्रेटिक की रेंज, फॉर गिवन एक्स क्वाड्रेटिक की रेंज। वैसे इसके अगला फॉर्मेट गैस कर सकते हो क्या होगा, एक बार क्वाड्रेटिक आया तो उसके आगे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो इसके अगला फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक। उसमें भी तीन अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, पहले बता दूं बच्चों को, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में एक ही मेथड पता होता है, वो कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी को पॉजिटिव करते हैं, बट क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में भी तीन डिफरेंट केसेस बनते हैं, आज सब करेंगे। अरे नहीं प्रज्ञा, ऐसे कैसे बेटा, बिल्कुल नहीं बोलना ऐसे। लो जी, सबसे पहले बेसिक मेथड, कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका a पॉजिटिव हो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज पॉजिटिव, उसकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम माइनस डी बाय फोर ए से लेके इन्फिनिटी। आपको याद रखना है, वैसे तो काफी याद होगा भी आपको, पर अगर भूल गए तो अभी देख लो, माइनस डी बाय फोर ए से इन्फिनिटी। ओके, तो इसका d निकाल लो, क्या है इसका, इसका d क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस थ्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ d बाय फोर ए से लेके इन्फिनिटी, एज सिंपल एज दैट, कोई कष्ट नहीं। सर वी हैवंट गॉट द पीडीएफ फॉर द टाइम टेबल वीडियो, ऐसे कैसे अरमान, सीरियसली आई विल गेट इनटू इट, मैं अभी के अभी रात के रात करवाता हूं बेटा, आफ्टर दिस सेशन आई विल इमीडिएटली डू दैट। ऐसे तो होता ही नहीं, मेरा हर एक सेशन बेटा पटाक पटाक मैं काम करवाता हूं, डोंट वरी, आई जस्ट लुक इनटू इट, डोंट वरी। तो ये आ गया माइनस डी बाई फोर ए सी इन्फिनिटी। अगर ए नेगेटिव हो तो कितना फर्क पड़ता है, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए हो जाता है, राइट। सो रेंज की अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, अगर ए पॉजिटिव तो माइनस डी बाय फोर ए से इंफिनिटी, अगर ए नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए। तो काम की बात क्या है, माइनस डी बाय फोर ए। शाबाश, अब देखो अगर कुछ एक्स आ जाए, अब ये ध्यान से समझना, अगर मुझे इसकी रेंज बतानी है पर कमबख्तों ने कह दिया सिर्फ इस एक्स के लिए बताओ, सिर्फ इस एक्स के लिए बताओ, पहले मैं समझा रहा हूं फिर शॉर्टकट बता दूंगा। देखो ये क्वाड्रेटिक क्या है, एक ग्राफ है ऐसा जिसका वर्टेक्स आपको पता होता है, माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए कितना आ रहा है निकाल लो, वन आ रहा है, एंड माइनस बी सॉरी माइनस वन आ रहा है, और माइनस डी बाय फोर ए वो कितना आ रहा है निकाल लो, बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी माइनस सोलह माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर ए, तो ये आ गया थ्री। ऐसा एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, सबसे बेसिक ग्राफ, यस और नो, माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए। तो अगर मैं आपको पूछूं मुझे इस एक्स के लिए आउटपुट चाहिए, डू यू एग्री, ये एक्स यहां बैठा होगा ऐसे, क्योंकि माइनस वन से आगे है वन टू थ्री,
तो डोंट यू थिंक इस एक्स के लिए मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ वन है और मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ थ्री है, काम खत्म हो गया। आपको कोई स्क्वायर कंप्लीशन नहीं करनी। बच्चे इसको स्क्वायर कंप्लीट करके लग जाते हैं, गलत नहीं है, बट इट टेक्स टाइम। अब आता हूं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट सुनो, अगर माइनस बी बाय टू ए इसमें लाई नहीं करता, इफ माइनस बी बाय टू ए डज नॉट लाई इन द इंटरवल, देन हमेशा इन दोनों पे वैल्यू निकाल लो, एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, काम खत्म। एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, काम खत्म। तो व्हाट इज एफ ऑफ वन, सेवन। व्हाट इज एफ ऑफ थ्री, नाइन प्लस सिक्स, फिफ्टीन प्लस फोर, नाइनटीन। सो रेंज आ जाएगी सेवन से नाइनटीन। मानते हो बहुत आसान हो गया। कभी भी क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है किसी इंटरवल के लिए, माइनस बी बाय टू ए चेक कर लो। अगर वो इसके बीच में नहीं है तो पक्की बात है इनमें से एक पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, एक में मिनिमा होगा और सवाल हो जाएगा खत्म। ओके, अच्छा अब दूसरा केस तो तुम फटाफट कर ही दोगे। अब सीधे हम अब ग्राफ पे नहीं जाएंगे, अब सीधे हमको मेथड ही आता है। हम चेक करेंगे माइनस बी बाय टू ए को। तो माइनस बी बाय टू ए कितना बन गया, माइनस टू बाय टू ए, फोर, माइनस हाफ। क्या ये मेरे इंटरवल में है? नहीं है। अगर ये मेरे इंटरवल में नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, बस इन दोनों पे वैल्यू निकाल देनी है। एक पे मैक्सिमा होगा, एक पे मिनिमा होगा, सवाल बिल्कुल खत्म। क्या नजारेदार बात है, या सुनो इतनी प्यारी बात। सोचा था कभी बिना स्क्वायर कंप्लीशन कुछ भी कष्ट किए बिना सीधे दो पॉइंट से आंसर आ जाएगा। ओए। तो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस थ्री, नाइन माइनस सिक्स प्लस फोर, सेवन। एंड व्हाट इज एफ ऑफ माइनस टू, फोर माइनस फोर प्लस फोर, कट। तो आंसर क्या आ गया, फोर से लेके सेवन तक। मैं क्या, बल्ले बल्ले बल्ले, आहा, मेरा भाई। ऑफ कोर्स अगर मजा आ रहा है साथ में लाइक कर दो और शेयर कर दो, दोस्तों को बताओ बड़ी काम की चीज हो रही है। आ जाएं, अभी भी असली वाले फॉर्मेट आ रहे हैं, अभी तो गर्मी बन रही है, फॉर्मेट तो इसके बाद शुरू हो जाने अब असली वाले, ठाठा वाले। अब ये आ गया सवाल, लो जी फिर से माइनस बी बाय टू ए चेक कर लो। चेक किया, माइनस वन अपॉन फोर। अब ये इसके बीच में आ रहा है, आहा। सर अब क्या करेंगे, अगर माइनस बी बाय टू ए इसके बीच में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब ना तुम्हें इन दो वैल्यूज के अलावा एक इस पे भी वैल्यू निकाल देनी है, बस काम खत्म। इन तीनों में से एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा, दैट्स ऑल। अरे थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, लव यू। बस अब क्या करना है, इन दोनों पे तो निकालनी ही है वैल्यू, इस पे भी निकाल देनी है, बस और कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हाट इज एफ ऑफ माइनस वन, टू माइनस वन प्लस वन। व्हाट इज एफ ऑफ वन, टू प्लस वन प्लस वन। एंड व्हाट इज माइनस वन बाय फोर पे, ये बन जाएगा टू इन टू, वन बाय सिक्सटीन, माइनस वन बाय फोर प्लस वन। तो ये आ गया, ये तो कट ही गया था एट, तो ये आ गया आपका बेटा वन माइनस टू प्लस एट, दैट इज सेवन बाय एट। अब देख लो ये तुम्हारा मिनिमम है और ये तुम्हारा मैक्सिमम है, तो आंसर आ गया सेवन बाय एट से लेके फोर। तबाही। पिछले क्वेश्चन में माइनस वन आएगा माइनस बी बाय टू ए, पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, वैसे मेरे ख्याल से मैंने ठीक किया होगा, अब तुम कह रहे हो तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये समझ आ गया, वेरी गुड। सो माइनस बी बाय टू ए अगर इंटरवल में आ भी जाए डरना नहीं है, अब बस इन दो के अलावा एक एफ ऑफ माइनस बी बाय टू ए भी निकाल देना है। इन तीनों में से एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा, माइनस बी बाय टू ए माइनस वन ही है, माइनस तो मैंने क्या लिखा था माइनस, अच्छा मैंने माइनस वन बाय टू लिख दिया था शायद, बट डजेंट मैटर, इसके बाहर ही है, बाहर है तो टेंशन खत्म। एग्जैक्टली। ओए बेटा अब ना एक सवाल देख लो क्वाड्रेटिक का, अच्छे वाला, आईआईटी में आया था बहुत पहले, और इसके बाद फिर हम फॉर्मेट्स उठा लेंगे जो तुम्हें तंग करते हैं कई बारी, ठीक है।
अरे दैट्स ग्रेट गगन, आई एम सो हैप्पी. इट एक्चुअली गिव्स मी वेरी सेशिएटिंग फीलिंग दैट आई एम बिकमिंग अ रीजन बिहाइंड योर स्टडी एंड योर मोटिवेशन. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. कहता ये एक फंक्शन है, एम ऑफ बी जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. देखो देखो यहां जो कॉफिशियंट्स हैं आपके, कॉफिशियंट्स वो कैसे हैं, बी की टर्म्स में हैं. तो जब तुम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे, जो कि तुमको पता है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाय फोर ए. रेंज क्या है, माइनस डी बाय फोर ए से इंफिनिटी. तो सर्टेनली मिनिमम वैल्यू जो है वो बी की टर्म्स में आएगी, इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ बी. दैट इज वाई एम ऑफ बी, और कोई रीजन नहीं है. तो ये डरना नहीं देख के, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो सिंपल माइनस डी बाय फोर ए से, और कुछ नहीं. ठीक, इसको कैलकुलेट करोगे ये 1/1 प्लस बी स्क्वायर आएगा. मुझे पहले से याद है क्योंकि ये बहुत बार सवाल मैंने देखा हुआ है. तो आप जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे जो कि माइनस डी बाय फोर ए है, वो आ जाएगी 1/1 प्लस बी स्क्वायर. पूछा क्या है अब, फाइंड रेंज ऑफ एम ऑफ बी. कहता है इसकी रेंज बताओ. तो मैंने लगता बहुत ही घटिया हो गया. कहता ये कहां से कहां तक लाइक करेगा. अरे तुम देख के बता सकते हो कि ये ना मैक्सिमम जो है 1 बनेगा जब ये 0 हो जाएगा. या सुनो, जब ये 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, और जैसे जैसे बी को बढ़ाते जाओगे ये चीज 0 के पास चली जाएगी. जैसे जैसे बी को बढ़ाते जाओगे 1/∞ दैट इज 0 के पास चली जाएगी. पटाक खत्म. देखो फॉर्मूला भी लगा क्वाड्रेटिक की रेंज का, बेसिक सी अकल भी लगी, और काम हो गया खत्म. आई शाबाश. तो मैं क्या, अब क्वाड्रेटिक तो हमने निपटा दिया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी निपटा दिया. अब तुम रेडी हो कि हम शुरू करें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक. जैसे कि मैंने कहा था तीन शक्लें होती हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में, तो तीनों शक्लें मैं यहां तीन सवालों के थ्रू सिखाऊंगा आपको. ठीक है, आपको जो मेथड पता है वो सही है, बट वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है. ठीक है, तो आज पूरा मेथड बताऊंगा. जेई एडवांस्ड बेटा, ये जो आप कह रहे हो, मैं इस बार मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा, कमेंट में लिख देना, वरना मैं इसी के बारे में कल बात करने वाला हूं, टेंशन मत लो. आप मैं अभी आपको 2 मिनट बताता हूं. इस कैटेगरी के बाद जो आप पूछ रहे हो मैं उसके बारे में बात करता हूं. अभी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा. ले भाई, सबसे पहले क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड मेथड आपको सबको आता है. लॉजिक याद है, पहला बेसिक मेथड बिल्कुल बेसिक क्या था, हम कोशिश करते हैं एक्स को वाई में लिखने की, देन द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड. व्हाट इज रेंज, बिगिनिंग में क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड. आ जरा बेटा यहां पर इसकी रेंज निकालनी थी. सबसे पहले मैंने ना सब कुछ एक साइड पे लेके आ गया, एक साइड पे सब कुछ एक साइड पे लेके आ गया. ये माइनस कर दो, ये भी इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉमन आके वाई माइनस वन बचेगा. देन ये एक्स यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस वाई माइनस वन बचेगा, और ये वन यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा. अच्छा अब ना बेटा लॉजिक पे ध्यान देना, बड़ा प्यारा लॉजिक. से पहले एक बात ध्यान से सुनो, मेथड क्या था, वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स. सो व्हाट डू आई मीन बाय एक्स इज डिफाइंड, भैया एक्स इज क्वाड्रेटिक का रूट है ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन एक्स. सो बाय सेइंग वैल्यू ऑफ एक्स इज डिफाइंड, I mean value of root is defined. And when do we say root is defined? When d is greater than equal to 0. Defined ka matlab hota hai real, real number. So yahan pe I will say x will be defined if d is greater than equal to 0. Defined ka matlab hota hai real number, nothing else. So x will be a real number if d is greater than equal to 0. अच्छा, तो आपने किया d को greater than equal to 0. b square minus 4ac. अब यहां पे बेटा
आप यहां को खत्म करके आंसर लिख देते हो ना, यहां से जो आता है उसको आंसर कहने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना होता है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो पहले मैं इसको ठीक कर दूं। ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, ये बन जाएगा माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर और माइनस टू वाई प्लस एट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस थ्री, माइनस कॉमन निकाल दो। तो ये ऐसा बन गया जो कि अब आराम से देखा जा सकता है बेबी कर्व से कि वाई आ जाएगा वन बाई थ्री से थ्री। अब सुनो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको आंसर कहने से पहले, इसको आंसर कहने से पहले हमेशा एक चीज चेक करनी है, वो है ये दो कॉफिशियंट्स। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स के कॉफिशियंट इकट्ठे जीरो बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों को जीरो करके वाई की सेम वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ता है। यहां पे इसको जीरो पुट करो वाई आ रहा है वन, इसको जीरो पुट करो वाई आ रहा है माइनस वन। लकीली अलग अलग आ रहे हैं, अगर ये सेम आ जाते तो उस वाई को रिजेक्ट करना पड़ता। सर क्यों, वो मैं अगले सवाल में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे ऐसा होगा। अभी तो अलग अलग आ रहे हैं तो टेंशन खत्म हो गई, यही मेरा आंसर है। आगे जाने से पहले मैं कंक्लूड कर दूं, रेंज निकालनी थी, रेंज होता है वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। जैसे ही मैंने इसको एक साइड पे किया ये क्वाड्रेटिक बन गया, और मुझे पता है क्वाड्रेटिक में एक्स तभी डिफाइंड होता है अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। जैसे डी किया वाई आ गया, तो ये है वो वाई जिसके लिए मेरा एक्स डिफाइंड है, खलास। अब देखो अगला सवाल जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की हुई, सुनो। अब मैंने यहां पे बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड किया, एक साइड पे ले आया सब कुछ, मैं सीधे लिख रहा हूं, आप सब कुछ एक साइड पे लाएंगे ये ऐसा बन जाएगा। और क्या आप देख पा रहे हो, अब एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉफिशियंट सेम वाई के लिए जीरो बन रहा है। ये बन गया ऐसा, देख पा रहे हो, हा 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 हा। तो आप यहां पे क्या कह देंगे, एक्स विल बी डिफाइंड इफ इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक में एक्स डिफाइंड कब होता है, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर एक्स डिफाइंड करना ही क्यों है, क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं। बिगिनिंग में क्या पढ़ा, रेंज इज वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। आदित्य तू टाइम पे नहीं आया आज, बहुत गलत बात है। और अब तू कह रहा है डाउट है, बेटा मैं ना एक एक बच्चे पे नजर रखता हूं, अब तुम लेट आओगे तो डाउट तो आएगा बेटा, और वहां पे मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि तुम टाइम पे क्यों नहीं आए। अगर मैं तुमको पढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं, तो मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी दिन रात टाइम पे आओगे और मेहनत करोगे। हैं जी मेरा भाई, मेरा भाई, एवरीबॉडी राइट, हाँ एग्जैक्टली। तो ये हमने क्या बना दिया, फैक्टर बना दिया आराम से। अब ध्यान से देखना, यहां पे आएगा उस स्टेप का रोल जो मैंने पिछले सवाल में बोला था। ये बन गया फिलहाल माइनस थ्री बाई माइनस वन प्लस सेवन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो पहले तो माइनस को खत्म किया यहां से, और यहां से आपके पास वाई आ गया वन से लेके सेवन बाय थ्री। अब बेटा मैंने पिछले में क्या बताया था, मेजर पॉइंट, अगर ये दोनों एक साथ जीरो बन सकते हैं, ये जीरो बनेगा वाई इक्वल टू वन पे, ये भी जीरो बनेगा वाई इक्वल टू वन पे, देन यू गॉट टू रिजेक्ट दैट वैल्यू एज वाई कैन नॉट बी वन, देयरफोर आंसर इज वाई बिलोंग्स टू ओपन वन सेवन बाय थ्री। मैं कहा एक बार चैट में लिख दो, सर जी ये पॉइंट तो पहले नहीं पता था, यस और नो, ये पॉइंट बहुत बच्चों के लिए नया होगा, राइट।
जेई एडवांस बेटा एक ही बात दो बार कह के क्या हो जाएगा बेटा, मैंने कह दिया, मेरे दिमाग में है ये, टेंशन मत लो, यस और नो, राइट, डू यू एग्री? ये पॉइंट काफियों के लिए नया होगा, ठीक है। अब मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको कि इसको रिजेक्ट क्यों करना पड़ा। एग्जैक्टली, जिसको पता था, वेरी गुड राजा बेटा, राजा बेटा नाम बड़ा अच्छा है यार, आई शाबाश। तो सुनो, पॉइंट ये है कि आपने कहा कि x विल बी डिफाइंड इफ d इज पॉजिटिव, परफेक्ट, क्योंकि x क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो रूट डिफाइंड होता है अगर d ग्रेटर देन जीरो हो गया। बट डू यू एग्री, अगर मैंने y को 1 ले लिया, व्हाट विल हैपन? अगर आपने y को 1 ले लिया तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 ये बना 1 माइनस 2, माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। माइनस 1 इज नेवर इक्वल टू 0, और ऐसा हमेशा होगा जब भी ये एक साथ 0 हो रहे होंगे, जब भी ये एक साथ 0 हो रहे होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं तो वो वैल्यू y की एंड में हटा देना, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आई शाबाश, एग्जैक्टली। अच्छा, अब तीसरी वैरायटी इसकी, और उसके बाद हम चलेंगे उस क्लिप पे जो मैंने आपको दिखानी है, जिसको देख के आपको बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली 12वीं के बच्चों को और ड्रॉपर्स को। 11th के लिए वो क्लिप इतना यूजफुल नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। तीसरी वैरायटी क्या होती है, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है पर फैक्टर कैंसिल हो रहा है, जैसे कि यहां पे है, अगर फैक्टर कैंसिल हो रहा है, डू यू सी फैक्टर कैंसिल हो रहा है? यस वी सी। तो क्या करते हैं, देन व्हाट डू वी डू? नाउ लिसन केयरफुली, मुझे एक बात बताओ, क्या x माइनस टू अपॉन x माइनस टू हमेशा 1 के बराबर होता है? बताओ, हमेशा होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। इज x माइनस टू अपॉन x माइनस टू ऑलवेज इक्वल टू 1? नहीं सर, नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली नहीं होता। सर कब नहीं होता? x इक्वल टू 2 पे नहीं होता, x इक्वल टू 2 पे नहीं होता। आई शाबाश, तो ये 1 के बराबर है पर x 2 हो गया तो बराबर नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहां पे आ जाओ बेटा, क्या ये दोनों सेम हैं? क्या ये दोनों सेम हैं आपस में? नहीं सर, फर्क है। यहां पे x को 2 नहीं ले सकते, जबकि यहां पे x को 2 ले लिया तो वैल्यू आ जाएगी, यस और नो? इन दोनों में इतना ही फर्क है कि इसकी जो वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आएगी, यहां पे वो वैल्यू नहीं आएगी, यस और नो? और अगर इसकी जो वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आएगी, जो आ जाएगी माइनस 1, वो यहां पे नहीं आने वाली, तो क्या ये मेरी रेंज में होगा? टेल मी, क्या ये मेरी रेंज में आएगा? विल इट बी इन माई रेंज? नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि यार x इक्वल टू 2 पे ये बन रहा है माइनस 1, जबकि मेरा एक्चुअल फंक्शन में तो मैं x को 2 पुट ही नहीं कर सकता। तो बस इन दोनों में और कोई फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है कि ये नंबर इसकी रेंज में है और इसकी रेंज में नहीं है। और मेरे को किसकी रेंज निकालनी है? सर जी इसकी निकालनी है। तो याद रखना, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा, भूल मत जाना। आगे नहीं जा रहे, वेरी गुड। तो अब तो कुछ नहीं बचा, इसकी रेंज निकाल दो, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो एक्स आ गया वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 1, तो रेंज आ गई वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1, एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वाई एक्सेप्ट 1, बट माइनस 1 भी नहीं आएगा, सो ऑल्सो एक्सेप्ट माइनस 1, टड़क। अब समझ आया कि इस नंबर को एंड में क्यों रिमूव करते थे? मेरा भाई आगे नहीं जा रहे, इसलिए इस नंबर को रिमूव करते हैं एंड में, क्योंकि ये इसमें तो आ रहा है बट मेरे फंक्शन में नहीं आने वाला। आई शाबाश, अब मैं तुमको वो क्लिप दिखाता हूं जिसके बाद अभी अगले फॉर्मेट पे जाएंगे हम, जिसकी मैं बात कर रहा था। आज के बाद क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक तुमको नहीं डरा सकती। अगला जो रेंज है वो ए पावर एक्स लॉग एक्स ए एम जी एम उन पे आने वाला है, पर उसको दिखाने से पहले
एक छोटा सा देखो, ओ श्रुति ना बेटा क्या हो गया, ऐसी चीजें नहीं करते बेटा, ये क्लिप देख के मुझे बताना मजा आया नहीं आया। ये क्लिप तुमको वैसे कल दिखने वाली है पर मैं आज दिखा रहा हूं। ओए 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 ओए, आवाज तो की नहीं हुई। ये क्लिप तुमको मैं आज दिखा रहा हूं जो कि YouTube पे बेसिकली कल दिखेगी, ये YouTube पे कल दिखने वाली है, तुमको मैं आज दिखा रहा हूं। मैं कहा तुम्हें भी क्या याद करोगे, मतलब एडवांटेज दे दी, मजाक है कोई, तुम अपने प्यारे बच्चे हो, रेगुलर आते हो तो एडवांटेज तो देनी चाहिए। तो ये लो, आहा, ये देखो पटक, 75% एलिजिबिलिटी। देन इफ आई आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू ड्यूरिंग द एग्जाम और बाद में भूल गया, विल इट बी काउंटेड और नॉट? डज स्टेट कोड डिपेंड ऑन योर नेटिव प्लेस? Does probability really work in guesswork? Very interesting part, huh? I'm a maths teacher, so I will be answering that. If computer or mouse gets stuck, then what to do? If there is multiple correct question in the paper, like an error, will everybody get bonus? Will filling the form early really increase the chance of getting preferred city? Number of questions to attempt. Because we know this time we'll be getting 30 questions. So last ke 10 questions, jahan pe 5 ka option hai. Do I have to attempt 5 only or I can attempt more as well? So to answer all these queries and further more queries which you might be having, I'll be coming live today only, that is 19th December in the evening. So stay tuned, subscribe and press the bell icon so that you don't miss the notification. Be ready for that. Bye-bye. कैसा लगा? सो ये YouTube पे कल आना है, तुमको मैंने आज दिखा दिया क्योंकि अब मैं कहा चलो तुम कैंट अपने प्यारे बच्चे हो, हर बार रेगुलर आते हो तो तुमको दिखा दिया। मैं इसी सेशन में ये भी बताने वाला हूं जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया, डोंट नो क्यों नहीं बताते लोग, इफ यू डिडंट गेट 75% एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? अरे तुम्हारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, 75 के बिना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये मत बोलना कि अभी बता दो, अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है? सो अगर आपके दोस्त हैं या आप खुद हैं इस वक्त जिसको 75% का कोई इशू है कि सर मेरा लास्ट ईयर नहीं था अब मैं क्या करूं, इसका एक बहुत प्यारा सोल्यूशन है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन, वो मैं कल बताऊंगा। यस यस अरमान, ऑफकोर्स, एंड जितनी भी क्वेरी तुम्हारी ब्रोशर को लेके हैं सारी की सारी मैं क्लियर करूंगा, ये तो मैंने कुछ बताई हैं, सब कुछ बताऊंगा। कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो होता है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो कैसे बनाया जाता है, वो कहाँ कहाँ आपको लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आई विल बी टेलिंग इन दिस सेशन टुमारो। तो टाइम कल आपको देखना पड़ेगा, उस पर यूट्यूब पर आ जाएगा हमारे वेदांतु के पेज पे, तो एक तो सब्सक्राइब कर दो अगर नए बच्चे हो, और आना सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? अरे शाबाश नहीं सिनिस्टर नहीं बेटा नहीं, ओके चलो बैक टू द टॉपिक, मैं आई होप यू एंजॉय द थिंग। अब आते हैं इस पे बेटा, बेटा ए पार एक्स का ना एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट हमको पता है, इसके बेस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं रेंज के। कंसेप्ट क्या है कि हाँ जब ए वन से ज्यादा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, इट गोज अप, और जब ए वन से छोटा होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ गोज डाउन। इस चीज का एक बड़ा बेसिक सा पर्पज देखो, गॉड ब्लेस यू बेटा, सिंपल सी चीज बताओ, अगर आपका टी से वन से लेके थ्री तक जा रहा है तो ए पावर टी कहां से कहां तक जाएगा? इस केस में सर जी मिनिमम वैल्यू ए पावर वन आएगी और मैक्सिमम वैल्यू ए पावर थ्री आएगी, यस और नो? यस सर, परफेक्ट सर, आता है समझ। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, अगर आपका ए वन से थ्री जाता है टी जो है, तो यहां पे ए पावर टी कहां से कहां जाएगा? सर अब ना ए पावर थ्री जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी और ए पावर वन जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, यस और नो? इस पूरे ग्राफ में छोटी वैल्यू ए पावर थ्री है
और बड़ी वैल्यू ए पार वन है। खत्म होती बात बस ये है, खत्म होती बात क्या है, अगर आप किसी इंटरवल में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इन पॉइंट्स पे निकाल लो, वही तुम्हारे मैक्स मिन होंगे। इन पॉइंट्स पे निकाल लो, वही तुम्हारे मैक्स मिन होंगे। ये खत्म होती बात है। अब जरा क्वेश्चन देखो, प्यारा सा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। कहता 2 पार साइन एक्स की रेंज बता दो। कुछ नहीं है बेटा, साइन एक्स अगर मेरा टी है, साइन एक्स को मैं टी कह देता हूं, ओके। तो आपका टी कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस वन से वन जा रहा है। तो क्या तुम 2 पार टी बता सकते हो? सर जी मजे से बता सकते हैं, मजे से। अगर टी माइनस वन से वन है तो 2 पार टी जो है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। बेसिकली हमने यहां पे और यहां पे वैल्यू निकाल दी, उनमें से एक मिनिमा होगा एक मैक्सिमा होगा, काम खत्म। आई शाबाश, ग्रेट। थोड़ा बदसूरत बना देते हैं इसको, 5 पावर फ्रैक्शनल एक्स। सर ये काय का बदसूरत है, ये तो और भी आसान है। अगर फ्रैक्शनल एक्स मेरा टी है तो क्या मुझे पता है कि कहां से कहां है? हाँ, 0 से 1 है। तो अगर टी मेरा 0 से 1 है तो क्या मैं 5 पावर टी बता सकता हूं कहां से कहां होगा? सर मजे से बता दूंगा, 5 पार 0 से लेके 5 पार 1 तक होगा। आई शाबाश, आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, थैंक यू वेरी मच। फ्रैक्शनल जो होता है 0 से 1 ओपन में होता है, थैंक यू वेरी मच। तो आंसर आ जाएगा यहां से यहां तक। ओए होए 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 श्रुति, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट बेटा, ऐसे नहीं करते। आई रियली डू केयर फॉर माई स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, ऐसे नहीं करते, ठीक है। ओके, कमिंग टू 5 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इज इट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो और भी आसान है। कहता इसकी रेंज बताओ, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी कह देता हूं, क्या मुझे पता है कि टी कहां से कहां लाइक करता है? बिल्कुल पता है, ये जो है छोटे से छोटा 1 होता है और बड़े से बड़ा इंफिनिटी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो अगर मुझे टी पता है कहां से कहां है तो मैं 5 पावर टी नहीं बता सकता, सोया सोया भी बता दूंगा, सोया सोया भी बता दूंगा। तो ऐसी चीजों की रेंज निकालना बहुत ही आसान होता है। ओके निहारिका बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, बहुत ही आसान होता है। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल में रेंज से कभी नहीं डरना, जो भी पावर है उसको टी कह दो, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। थैंक यू गॉड ब्लेस यू, मैं कहा बस सीखते रहो, हद से हद ऐसा दे देगा, थोड़ा बदसूरत बना देगा। पर इज इट रियली बदसूरत? नहीं सर, इसको टी ही तो कहना है और करना क्या है। अगर मुझे टी पता है तो मैं हाफ पावर टी भी देख लूंगा। वो तेरी 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 टूटना नहीं बेटा, बच गया बच गया बच गया। साइन एक्स जो है बेटा वो माइनस वन से वन में होता है, मुझे पता है। तो क्या 2 साइन एक्स मुझे पता है? सर जी 100% पता है। क्या 2 साइन एक्स प्लस 3 पता है? सर जी ऑब्वियस ही बात है, अगर 2 साइन एक्स पता है तो 2 साइन एक्स प्लस 3 भी पता ही होगा। एग्जैक्टली सो मेरा टी जो है वो 1 से 5 में है। तो क्या मैं हाफ पावर टी नहीं बता सकता? मजे से बता सकता हूं, ए पावर टी में हमेशा बता सकता हूं। सिर्फ इन दोनों पे वैल्यू निकाल लो, इस पे वैल्यू क्या आएगी? हाफ पावर 5। इस पे वैल्यू क्या आएगी? हाफ पावर 1। और तुम देख सकते हो अब ये छोटा है, ये 1/32 है, ये 1/2 है। तो एक्सपोनेंशियल में ना कुछ भी दे दे वो, कभी भी रेंज से डरना नहीं। सबसे घटिया सवाल होते हैं रेंज के, जगह जगह बैठे होते डराते रहते हैं और कुछ नहीं। वेरी गुड। और 1/32 जो ही 1/2 पर 5 है, 32 बनेगा। सेम केस लॉग का है, सेम ही केस लॉग का है, सिमिलर केस। क्योंकि लॉग भी क्या है, अगर ए 1 से बड़ा है तो वो बढ़ता है, और अगर ए 1 से छोटा है तो वो घटता है। तो अगर आपका टी यहां से कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 1 से, एक मिनट को मैं नंबर ए से बी ले लेता हूं, ए से बी जा रहा है टी आपका, तो लॉग ऑफ टी मैं बता सकता हूं? मैं क्या मजे से बता सकते हो यार, ए तो यहां भी बैठा हुआ है। यार अरविंद सर ऐसी बात क्यों करते हो यार, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओए होए होए, यहां पे कुछ और ले लो यार, 5 और
7 ले लो, अब ठीक है, अब ठीक है। तो log t की मिनिमम वैल्यू log 5 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू log 7 आ जाएगी, क्योंकि यही मेरा ग्राफ तो बन रहा है। पॉइंट समझ गए बेटा अपने आप? तो चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे लॉग हो, अगर आपको रेंज निकालनी है तो बस ये एंड वाले पॉइंट्स पे निकाल लो वैल्यू, उनमें से एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा और सवाल हो जाएगा खत्म। वेरी गुड, और वेरी गुड, नाइस। तो देखो सवाल, ये इजी, ये इजी, ये अच्छा, तीन सवाल करेंगे। सबसे पहले इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, जैसा कि तुम कहते हो सारे, मेरा बेटा भी कहता है पापा ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोल दूंगा टी। क्या मुझे पता है कि टी कहां लाई करता है? मैं क्या मजे से पता है, 2 साइन एक्स जो होता है वो -2 से 2 में होता है, तो 2 साइन एक्स प्लस 12 कौन सी कोई बड़े खेत की मूली है, ये 10 से 14 आ जाएगा। तो मेरा टी जो है वो 10 से 14 है, तो क्या मैं log t नहीं बता सकता? मैं क्या मजे से बता दूंगा, एग्जैक्टली 10 पे वैल्यू निकाल दो, व्हाट इज log ऑफ 10 बेस 10, इट इज 1, और 14 पे वैल्यू निकाल दो, log ऑफ 14 बेस 10, अब इसकी वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, ऐसी छोड़ो। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मजे से, आई शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बस तुम सीखते रहो, बस यही मेरा पर्पज है, तुम सीख लोगे, आई एम हैप्पी, एग्जैक्टली, आई शाबाश। अब ये बी पार्ट, अब ये तो तुम सोए सोए कर दोगे, देखो ये तो हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं ना, ये तो मुझे पहले से पता, पिछले सवाल में भी देखा, इसको बोला टी और मुझे पता है टी जो है वो 1 से इन्फिनिटी जाता है और मैं लॉग देखना चाहता हूं, तो दोनों तरफ लॉग देख लो, लॉग ऑफ 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है, और लॉग ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? मैं क्या सर जी, इन्फिनिटी होता है, तो आंसर आ गया 0 से इन्फिनिटी, काम खत्म, 0 से इन्फिनिटी, वेरी गुड। ये जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है वो थोड़ा सा अच्छा है, उसमें एक चीज ध्यान से देखना, ठीक, एक चीज और लैम्डा भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, जो मर्जी कह ले बेटा, अच्छा लंबा चलेगा बेटा, रेंज के फॉर्मेट है, जब खत्म हो जाएंगे इसके बाद एक AMGM का फॉर्मेट आएगा, एक डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट आएगा, जितने भी रेंज के फॉर्मेट होते ना। एक चीज देखो बेटा, क्योंकि वो देखनी बहुत जरूरी है, जब भी लॉग में रेंज में या लिमिट में वो कोई अच्छी चीज घुसाएंगे ना, इस तरह से घुसाएंगे, अगर मैं लॉग का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा था, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ए, वेयर ए इज बिगर देन 1, मैं बिगर देन 1 बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बिगर देन 1 है। एक चीज देख पा रहे हो, जैसे जैसे मेरा एक्स 0 के पास जा रहा है, लॉग कहां जा रहा है, लॉग जा रहा है नेगेटिव, थोड़ा और 0 के पास गए, वैल्यू आ गई और नेगेटिव, जैसे जैसे मैं 0 के पास जाऊंगा लॉग चला जाएगा बहुत नेगेटिव, यस और नो? जैसे जैसे मेरा x 0 के पास जाएगा लॉग चले जाएगा बहुत नीचे, ऑलमोस्ट माइनस इन्फिनिटी, आई शाबाश। तो यहां पे यही कंसेप्ट लगाओ, आपने जब सवाल शुरू किया आपने इसको बोला t, और क्वाड्रेटिक की रेंज आपको बचपन से निकालनी आती है, -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक, मैंने -d/4a निकाला, कितना आ गया -1/4, ये आ गया। अब मेरे को लेना था लॉग, मेरे को देखना है लॉग, समझते हो ना, जिस जिस एक्स के लिए ये चीज नेगेटिव बन रही है वो एक्स तो मेरी डोमेन में ही नहीं आएगा, यस और नो? जिस जिस एक्स के लिए ये चीज नेगेटिव है वो एक्स तो डोमेन में ही नहीं आएगा, तो ये चीज ना तो नेगेटिव बन सकती है ना 0, क्योंकि बाहर लॉग बैठा है, तो टी की जितनी भी ये नेगेटिव वैल्यूज है सब खत्म हो गई, तो 0 से बड़ा होना चाहिए टी, यस और नो? फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, अगर प्रॉपर लॉजिकली लिखना चाहते हो, तो जितनी भी टी की नेगेटिव वैल्यूज थी या 0 थी वो हट गई,
वो डोमेन के करके हट गई। अगर टी जीरो से इंफिनिटी है तो क्या मैं लॉग टी नहीं देख सकता? मजे से देख लूंगा। मुझे पता है जैसे जैसे मेरा टी जीरो के पास जाएगा, लॉग जो है माइनस इंफिनिटी के पास चला जाएगा, और जब मेरा टी इंफिनिटी जाएगा, लॉग ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में क्या आगे नहीं जा रहे। बहुत ही प्यारा सवाल है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा डोमेन का कंसेप्ट रखो, थोड़ा जीरो के पास लॉग क्या बनता है ये दिमाग में रखो। किल्ड इट, फिनिश्ड। आय शाबाश, आय ग्रेट। लो ये लॉग वाले कैटेगरी ए पार एक्स के कवर हो गया, लॉग एक्स कवर हो गया। अब आएंगे हम थोड़ा डेरिवेटिव की एप्लीकेशन पे। देखो बेटा, जब भी ना तुम क्यूबिक में आ गए, क्यूबिक में आ गए, या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस में आ गए जहां पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया दो अलग अलग चीजों का, क्यूबिक में आ गए या दो चीजों के प्रोडक्ट में आ गए, वहां तुम्हें डेरिवेटिव ही बताएगा कि रेंज क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव ही बताएगा। जैसे कि कहता है इसकी रेंज बताओ फॉर एक्स माइनस टू से टू, फॉर एक्स माइनस टू से टू। भैया आपने ना इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, वहां से पता लग जाएगा फंक्शन कहां पे ऊपर जा रहा है कहां पे नीचे जा रहा है, और सवाल खत्म हो जाएगा। देखो मूमेंट आपने एफ डैश एक्स निकाला माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12, बस ये देख लो ये कहां कहां पॉजिटिव नेगेटिव है, वो आपको वेवी कर्व से आता है। माइनस थ्री कॉमन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, तो वेवी कर्व से आ गया यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। सर वेवी कर्व में तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता था, और बेटा ये भी तो देखो यहां माइनस बैठा है, इस करके उल्टा हो गया। तो डू यू एग्री मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो फंक्शन है इस एक्स के लिए इंक्रीजिंग है, यस और नो? इंक्रीजिंग है। अगर माइनस टू से टू में इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू माइनस टू पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू टू पे होगी, और सवाल हो गया खत्म, सवाल हो गया खत्म। फंक्शन का स्कोप इतना ही है, डेरिवेटिव ऐसे ही लगवाएंगे अगर वो रेंज निकलवाना चाहते हैं। तो एफ ऑफ माइनस टू निकाल दो, एफ ऑफ टू निकाल दो, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, सवाल हो गया खत्म, एग्जैक्टली फिनिश्ड। तुम देख रहे हो सारी कैटेगरी कवर हो रही है, इसकी अगली कैटेगरी कौन सी है? एम जी एम के बेस पे कैसे रेंज पूछते हैं वो, एग्जैक्टली। अब ये आ गया, कहता है इसकी रेंज बताओ एक्स स्क्वायर इंटू ई पार माइनस एक्स की फॉर दिस एक्स जीरो से टू। भैया मैं तो इसको डिफ्रेंशिएट मार के इसका नेचर देख लूंगा कि ये कहां पे ऊपर जा रहा है कहां पे नीचे जा रहा है। एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पार माइनस एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियरली ई पार माइनस एक्स तो बाहर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो एक काम करते हैं माइनस भी बाहर फेंक देते हैं और अंदर बच जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स। हमको आता है वेवी कर्व, सर वेवी कर्व पर ये ई पार माइनस एक्स तंग करेगा? वो तंग नहीं करेगा, ये चीज तो साइन में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रही, ई पार माइनस एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है, जो चीज है ही पॉजिटिव वो आपके वेवी कर्व में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करती, वो आपके वेवी कर्व में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करती। तो यहां से जीरो टू, बाहर माइनस बैठा है इसका ध्यान रखना, इस करके माइनस से शुरू कर रहा हूं। देख पा रहे हो जिस एक्स के लिए उसने आपसे रेंज पूछी है उस एक्स में फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग आ रहा है, तो फंक्शन जीरो से टू में ऐसे जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ जीरो होगी, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ टू होगी। ये मैं बता रहा हूं कि फंक्शन के स्कोप में, यानी कि रेंज के स्कोप में, ऐसे फंक्शन वो जब भी देंगे हमेशा वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए ही आते हैं, इसीलिए रेंज आराम से आ जाती है एंड पॉइंट्स पे। ठीक ओए बेबी कर्व नहीं, ओए वेवी कर्व, तुम्हारा दिमाग ही वहां जाता है। ओए खराब बच्चों ऐसे नहीं करते, ओए फोकस करते हैं। सो आंसर आ गया एफ ऑफ जीरो से लेके एफ ऑफ टू, एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा जीरो, एफ ऑफ टू आ जाएगा फोर इंटू ई पार माइनस टू, काम खत्म, नजारे लो, जीरो से फोर बाय ई स्क्वायर। ओके 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 नाइस। अब आ जाओ
रेंज ऑफ ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हें उसने एएमजीएम लगवा दिया, एएमजीएम लगवा दिया। यहां पे जाने से पहले मैं फिर से कर फटाफट बता दूं, अगर कोई बच्चा नया है बेटा YouTube पे ना वेदांतु जेई के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, कष्ट मत, ज्यादा इसमें नहीं है इतना। इसमें आप अगर डी कोड में जाओगे, यहां पे डी कोडेड सीरीज मिलेगी मैथ की, ठीक है। इसमें मैंने AMGM को पूरा डीकोड किया हुआ है, तो जिसको अगर AMGM में थोड़ी दिक्कत आती है, रिलेशन बिटवीन AMGM, ठीक है, सिर्फ AMGM है सेशन में, एक घंटे का सेशन है, पूरे AMGM की सारी वैरायटी इसमें कवर्ड है, तो किसी को अगर AMGM में दिक्कत आती है इसको देखो, मजा आ जाएगा। आई शाबाश, दैट्स ग्रेट। आ जाओ मुड़ के, कहां गया सेशन? ये रहा सेशन। जिसको जिसने वो सेशन देखा हुआ है, जिसको वो आता है, उसके लिए ये कतई मुश्किल नहीं होने चाहिए। बस मैं ये बता रहा हूँ कि वो ऐसे सवाल भी पूछ सकता है रेंज के, जो कि प्योरली AMGM बेस्ड है, उनमें कोई भी जान नहीं है, दम नहीं है, प्योर AMGM पे बेस्ड है। जैसे कि ये सवाल, क्या इसको करने मेरा जोर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसने पूछा फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर मेरे को AMGM के कंसेप्ट आते हैं तो मेरे को एकदम से चमकेगा यार, रेंज मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की बातें, जब भी मिनिमम मैक्सिमम होता है AMGM दिमाग में आता है। पर पक्का कब होता है कि AMGM लगेगा? जब जो टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या है? पॉजिटिव। जो टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या है? पॉजिटिव। तो अरे मृणांक गोगोई, ये नाम बड़ा फेमिलियर लग रहा है यार, ये नाम सुनो ना लग रहा है मेरे को। चलो तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऑन 4x एंड 4/4x, ये जो दो टर्म्स हैं उन पे लगाते हैं AMGM। इनका AM क्या बनेगा? ये बाय 2, और इनका GM क्या बन जाएगा? ये करते ही ये कट गया, ये 2 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ये 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रेंज आ गई, ये चीज लाइक करती है 4 से इंफिनिटी में, 4 से इंफिनिटी में। अरमान, आई विल सर्टेनली टॉक अबाउट इट, एंड एक दो दिन में करवा देंगे, बात है कोई, डोंट वरी, ठीक है। आपके गाने याद आते हैं बड़े। अरे मृणांक, तुम वो तो नहीं जो बहुत पहले, नहीं पटियाले में तो, वो तो बहुत टाइम हो गया, वो तो कोई और मृणांक था यार, या मुझे नाम तो याद है मृणांक गोगोई, पर मुझे, चलो मे बी, गॉड ब्लेस यू, दैट्स इट। सो पॉइंट क्या है? ओके मृणांक, ओके आई गॉट योर पॉइंट, गॉट यू, वेदांतु, ओके गॉट यू। सो ये पॉइंट क्लियर, सवाल चाहे रेंज का है बट आ कहां से रहा है? AMGM से। कंफ्यूज करने के लिए चीजों को हिला डाला और कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। और उसने क्या बी पार्ट अलग है कुछ? सर बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे AMGM का डी कोड मैंने देख रखा है, AMGM मेरे लिए सिंपल हो चुका है, तो मुझे पता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसकी रेंज पूछी मतलब मिनिमम से मैक्सिमम पूछा है, जो चार टर्म्स इसमें बैठी हैं वो पॉजिटिव है, तो क्लियर कट AMGM का केस है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऑन किस पे लगाते हैं? जो टर्म्स हैं, यानी कि 2x, 2-x, 6x, 6x। तो इनका जो AM है वो क्या बन जाएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका जो GM है वो क्या बन जाएगा? ये पावर 1/4। अब ये तो सारा ही कट गया, 1 बन गया, तो यहां से आंसर आ गया दैट दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसकी रेंज आ गई 4 से इंफिनिटी। सर इसको सीधे भी तो कर सकते थे ना, सीधे? यस राहुल, हाँ जी बेटा, सीधे भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे ये भी पता है अ पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल
is always greater than or equal to 2. A positive number plus its reciprocal is always greater than or equal to 2. So in total, it is greater than or equal to 4. You have your answer. Range is 4, say infinity. Range is 4, say infinity. मैं क्या रेंज वाला ये पार्ट भी क्लियर हो गया? देखो, हमने रेंज के सारी चीजें फोड़ी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पहले बेसिक मेथड आया कैसे, फिर उस बेसिक मेथड को लगाते कैसे हैं, फिर वहां से साइन कॉस फ्रैक्शनल एक्स की रेंज आती है, फिर वहां से क्वाड्रेटिक की रेंज आती है, फिर क्वाड्रेटिक में भी गिवन इंटरवल के लिए रेंज, फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज, जिसमें तीन फॉर्मेट बनते हैं, तीनों अलग अलग अलग, राइट? फिर क्या आता है? डेरिवेटिव वाला रेंज, फिर डेरिवेटिव नहीं, बीच में एक और चीज थी ना, हाँ, फिर ए पार एक्स का रेंज, फिर लॉग एक्स का रेंज, फिर डेरिवेटिव वाला रेंज, फिर ए एम जी एम वाला रेंज, सारे के सारे फॉर्मेट, टक 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 टक। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप बच्चे एक बार इस सेशन के बाद, आज तो बहुत लेट हो गया, कल इस शॉर्ट को देख लेना अगर नहीं देखा है, ठीक है? स्टैंडर्ड फंक्शन का वन शॉट, इसमें मैंने सारे स्टैंडर्ड फंक्शन कवर किए थे, जेंट मॉड फ्रैक्शन लॉग एक्सपोनेंशियल सिग्नम, सारे के सारे। तो आप अगर ये देख लेंगे, रेंज आपने कर लिया, तो ये पूरे चैप्टर का ना एक अच्छा खासा ग्रिप आपका क्रिएट हो जाएगा, और वो हो गया तो भाई मैं खुश हूं, तुम्हारा फंक्शन निपट गया, ठीक है? ये जरूर देख लेना। और किसी को भी अगर ट्रिग्नोमेट्री, किसी को भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की वो जो सवाल होते हैं बेसिक रेंज वाले, ट्रिग्नोमेट्री के, प्योर ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ये सेशन जरूर देख लेना। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली रेंज कवर की हुई है सारी की सारी, ओनली ट्रिग्नोमेट्री वाली रेंज, ठीक है? ये डीकोडेड का है सवाल, तो डीकोडेड में सेशन है, तो डीकोडेड में जाओगे, काम खत्म। अरमान, ये डीकोडेड मिलेगा, इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाली रेंज है, और आज हमने जो किया वो है वन शॉट ऑफ रेंज। दोनों में करना क्या है, वेदांतु का चैनल, हमारा जेई, हमारा चैनल, प्यारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट में जाना, आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वन शॉट वाली भी और ये डीकोडेड वाली भी। आहा, सर प्लीज ग्राफ, बेटा ग्राफ में ऐसे कि यार, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, चलो मैं देखता हूं, मतलब इसको डीकोड देखता हूं, मतलब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा किस शक्ल में उठाया जाए, चलो मैं देखता हूं, तुम कह रहे हो तो पक्के से बनाता हूं कुछ। जाने से पहले एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, दैट्स ग्रेट, ये चीज बतानी बहुत जरूरी है, अगर कोई ट्वेल्थ का बच्चा है उसको ये ले लेना है, ले लेना मतलब ले लेना है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ, क्रैश कोर्स फॉर 2021, ठीक है? इससे अच्छी चीज तुमको नहीं मिलने वाली, इसमें क्लासेस होती हैं, डाउट होता है, सब शेड्यूल मिलता है, और सब कुछ होता है जो तुम चाहते हो, ठीक है? टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, मतलब जो चीज तुम्हें चाहिए सब होता है इसमें। तो अगर आप ट्वेल्थ के बच्चे हो तो आपको ये लेना ही लेना है, करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उसको क्लिक करके ना ये कोड डाल देना है, AVKCC, या जो आपका फेवरेट टीचर है उसका कोड डाल देना है, कोड डाल के ये प्राइस कम हो जाएगी, और फिर उसको पे कर देना है, बस। ट्वेल्थ के बच्चे ये ले ही ले, मैं बार बार नहीं समझाता, एक बार बता दिया, ले लो, बहुत काम का है। ट्वेल्थ के बच्चे सब्सक्रिप्शन अभी ना लें, मेरे को अभी सब्सक्रिप्शन में आपके लिए वैल्यू नहीं दिखती, बट इलेवंथ के बच्चे सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, इलेवंथ का बच्चा अगर इस वक्त सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको साथ में क्रैश कोर्स बीच में फ्री ही मिल जाता है, ठीक है? वो भी 3 महीने का, 2.5 महीने का, दिसंबर आधा, जैन और फेब। तो 11th का बच्चा सब्सक्रिप्शन ले ही लो, एटलीस्ट 3 मंथ्स की लो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तो आप मिलोगे। आपको सबको पता है ना, सब्सक्रिप्शन में बहुत चीज़ें होती हैं, यू रियली नो दैट, नो? सिर्फ आपका बैच नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ढेर सारे माइक्रो कोर्सेज होते हैं, माइक्रो मतलब एक एक चैप्टर के कोर्स, प्रीवियस ईयर के कोर्स, एक एक टॉपिक की चीज़ें, ऐसे, राइट? बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, ये सबको पता है ना, सब्सक्रिप्शन में बहुत कुछ होता है, सिर्फ एक आपका मेन बैच ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत कुछ होता है, ठीक है? एग्जैक्टली अरमान, दैट्स ग्रेट। तो अरमान, कैन एक्चुअली टेल यू दैट थिंग इन डिटेल, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर विच दिस प्राइस इज नथिंग। और मैं बता रहा हूँ, इलेवंथ के बच्चों को इसमें क्रैश कोर्स साथ में फ्री मिलने वाला है, बीच में मिलने वाला है, दे विल हैव फुल एक्सेस टू क्रैश कोर्स, तो आपको ले लेना चाहिए बेटा,
ठीक है। और सर्टेनली आपको पता है कोड एवीके प्रो है, आप लगाओगे पट 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 पटाक, ठीक है। और ये बताने की जरूरत है नहीं, अब सबको पता ही है कि बेटा इसमें सब कुछ होता है जो तुम एक सोच सकते हो कि आपको पढ़ने जाना है तो पढ़ाई के लिए जो जो चाहिए, लाइव क्लासेस, उन क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं तुम्हारे पास, टेस्ट होते हैं विद एनालिसिस होते हैं, सेंट्रली स्ट्रक्चर्ड रहता है कोर्स, ऐसा नहीं कि कोई टीचर उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर देगा, नहीं, सेंट्रली स्ट्रक्चर्ड होते हैं कोर्सेज, ठीक है। पर सब्जेक्ट 20 से ऊपर टीचर्स होते हैं पर सब्जेक्ट, क्रैश कोर्स जैसा कि मैंने बताया ये बीच में आपको मिलेगा, इसके इंग्लिश और हिंदी का चॉइस रहता है। आजकल तो इंग्लिश बैचेज ज़्यादा हैं अब टूवर्ड्स द एंड, तो आई विल नॉट से कि आपको हिंदी बैच अभी राइट नाउ एकदम से मिल जाएगा, बट इंग्लिश बैच फॉर श्योर मिल जाएगा, ठीक। मतलब भयंकर चीज़ें होती हैं जो कि आप तुम सोच भी नहीं सकते, तो यू गॉट टू डू दैट। लॉग इनइक्वालिटी डीकोडेड, बेटा लॉग की इनइक्वालिटीज़ की सॉल्विंग मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन में डिसेंट करवा दी थी, तुम वहाँ से करो, फिर भी डाउट रहता तो डू लेट मी नो, आई विल जस्ट सी, ठीक। नाइट सॉन्ग, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्हा एक सपना दे जारी, दारी रारू हे हे रारी रा, तारी रारू हे हे तारी रा, एंड दैट्स ऑल। वेरी गुड सिनिस्टर जोकर, इफ यू आर डूइंग द असाइनमेंट्स रेगुलरली दैट आई एम पोस्टिंग, मैंने बताया था ना मैं पूरा असाइनमेंट अपना बहुत देख के बनाता हूँ, एक एक क्वेश्चन, ताकि जो आपने सेशन लगाया वो उसको प्रैक्टिस भी करवाए और उसके आसपास थोड़ा सा आपको और पुश भी करे, ठीक है। आपका एक एक असाइनमेंट मैं खुद पूरा डिजाइन करता हूँ, उसको जरूर लगाओ, ठीक। चलो ओके अरमान, दैट्स ग्रेट। पीडीएफ प्लीज, बेटा पीडीएफ होता है मेरे हर एक सेशन का, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होता है बेटा, आपको शायद आइडिया नहीं है बेटा। आप इसमें ना सेशन में, जैसे ये सेशन चल रहा है अभी, इसी में चल जाते हैं, ये रहा, इस सेशन को ओपन करोगे ना, नीचे जाओगे, थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ पे शो मोर करो, कहाँ गया शो मोर, ये रहा शो मोर, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहाँ गया पीडीएफ। होए मैं खून कर दूंगा अगर पीडीएफ नहीं हुआ तो, किसका खून करूंगा, जिस जो यहाँ पे डालता है, क्योंकि ये पीडीएफ तो साथ ही आ जाता है। असाइनमेंट आधे पौने घंटे में आती है, ओ यार ऐसा बेइज्जती न कराओ यार मेरी, बच्चों क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अभी लग रहा है मेरे को, मैं छोड़ूंगा नहीं जो यहाँ पे अपलोड करता है, उत्तरी यार ये तो घनी बेइज्जती हो गई, बाई गॉड ये तो बहुत घनी बेइज्जती हो गई, दिल दिल टूट गया मेरा, मेरे सेशन का पीडीएफ नहीं पड़ा यहाँ पे, यार ये कैसे हो गया। ओ ये आ गई वीडियो जो मैंने आपको दिखाई अभी, क्या बात है, ओ यार पर ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अपने सेशन का पीडीएफ साथ के साथ दिलवाता हूँ। एक मिनट बेटा, ये कल वाला सेशन है मेरा, लेट मी चेक हेयर, हाँ देखो बेटा कल वाले सेशन में बैठा यहाँ पे, ये कल वाला सेशन है, देखो सेशन पीडीएफ भी यहीं पे है, असाइनमेंट भी यहीं पे है विद सॉल्यूशन, असाइनमेंट विद सॉल्यूशन, अकेले क्वेश्चन नहीं। आज वाला सेशन बेटा वो आधे पौने घंटे में हो जाएंगे अपलोड फिर, ठीक है। यार मैं एक एक असाइनमेंट खुद बनाता हूँ जोर लगा के, अरे यहाँ पे नहीं होगी मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरमान कौन से सेशन में कह रहे हो बेटा, इस कल वाले सेशन में तो है, मैं समझ गया, बेसिकली ना ये वाला होगा शायद, इसका पीडीएफ उन्होंने नहीं डाला होगा अभी, जो मैंने ये लिया था सेशन, और कहाँ गया, एक तो सेशन घूम जाते हैं यार, ये वाला, इसका पीडीएफ शायद तुम कह रहे हो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है जो तुम कह रहे हो, वो शायद उनको लगा होगा कि ये नॉन अकेडमिक है तो उन्होंने नहीं डाला होगा शायद। ओ यार क्या करते हैं ये, बेटा मैं डलवा देता हूँ, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको मैजिक कैलेंडर दिया हुआ है, पीडीएफ ही नहीं होगा तो कैलेंडर निकालोगे कैसे यहाँ से, मैं इसका अभी के अभी करवाता हूँ, ठीक है, अभी के अभी ये रात को डलवाता हूँ बोल के, ठीक। हेत पटेल वो फंक्शन को टिक कर दो, वो उसके साथ ही है, डोंट वरी। तो गाइज विद दैट समय आ गया है गुड बाय बोलने का, थैंक यू वेरी मच अक्षत, गॉड ब्लेस यू, तुम बस लगे रहो तैयारी पे, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तुम छा गए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। सो चक दे फटे, खुश रहो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करो दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी सेशन पहुंचे, ठीक है। जैसा मैं कहता हूं आप सीखो और दोस्तों की मदद जरूर करो सीखने में, उससे आप भी ज़्यादा सीखते हो और आपको मज़ा भी ज़्यादा आता है। थैंक यू मैथ्स वर्ल्ड, गॉड ब्लेस यू। मुझे डाउट है तेजस्वनी, अभी तो कमेंट में लिख सकते हो, यहाँ तो कैसे पूछोगे, या टेलीग्राम पे मैं अपने नाम से ही हूँ अरविंद कालिया, वहाँ डाल सकते हो, बट नॉर्मली मैं कई बार देख नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है।
जानवी गो फॉर फंक्शन बिकॉज जो कल का सेशन था वो प्राइमरीली फंक्शन है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक अ पार्ट ऑफ फंक्शन ओनली, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो फंक्शन पे टिक मारना कल की स्प्रिंट के लिए. ठीक करा है चलेगा. जानवी ट्रिग्नोमेट्री का तो भी स्प्रिंट हुआ ही नहीं ना, तो इस करके मैं कह रहा था चलो देखता हूँ. डोंट वरी, आई विल जस्ट लुक इन टू इट. वैसे भी तुम बच्चे, कुछ तो बच्चे ऐसे जिनके मुझे अभी नाम भी याद है जो कि उस फॉर्म में बहुत रेगुलर है, जो चैट में देखते हैं मुझे, बहुत फास्ट है जिनकी लर्निंग, सो यू डोंट वरी. ठीक ओके जानवी, चलो गाइज गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, गुड नाइट, लव यू वेरी मच, बाय बाय. कौन बच्चा तेजस्विनी, 15 डेज मिस हो गया क्या तेजस्विनी? मैं अभी चेक करता हूँ टेलीग्राम, ठीक है अभी चेक करता हूँ. ओके गुड नाइट.